ऊना शहर के साथ लगते रामपुर में 11 वर्षीय प्रवासी बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रतिमा कुमारी पुत्री मलिक सिंह निवासी बिहार के रूप में हुई है। परिजनों ने शव को बिना किसी को जानकारी दिए साथ लगते खड्डे में दफना दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान फोरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। मृतका अपने परिवार सहित पिछले लंबे समय से रामपुर की झुग्गियों में रहा करती थी। गत दिवस मृतका के माता पिता अपने बच्चों को छोड़कर रोजाना की तरह काम पर गए हुए थे। शाम को लौटने पर दंपति ने पाया कि बेटी प्रतिमा कुमारी मृत अवस्था में झुग्गी के बाहर चारपाई पर थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि प्रतिमा कुमारी ने साड़ी की चुनरी से फंदा लगा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे में मलिक सिंह ने पारिवारिक सदस्यों संग बिना पुलिस को सूचित किए साथ लगते खड्ड में प्रतिमा के शव को दफना दिया। रविवार सुबह मामले की भनक लगते ही थाना प्रभारी मनोज वालिया की अगुवाई में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके तुरंत बाद एएसपी लीव रिजर्व सुरेंद्र शर्मा भी पहुंचे, जिन्होंने जांच पड़ताल की। फोरेंसिक टीम के पहुंचने के बाद तहसीलदार ऊना शिखा की अध्यक्षता में दफनाए हुए शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया गया। एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बच्ची की संदिग्ध मौत के बाद दफनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रवासी बच्ची की संदिग्ध मौत का मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसे दफना दिया हुआ है, तो उसको अभी हम लोग तहसीलदार को साथ ले जाके उसको निकालेंगे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया हुआ जैसा भी मामला। तो सर इसकी उम्र कितनी है? 10 साल उम्र पाई गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।